नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की। मैनपुरी लोकसभा की प्रत्याशी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। इन्हें भारी मतों से विजयी बनाने के लिए एटा लोकसभा प्रत्याशी देवेश शाक्य मैनपुरी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर पहुंचकर उन्होंने चुनाव की रणनीति बनाई और लोकसभा मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए वोट मांगी। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, देखिएगा इस पूरी रिपोर्ट में। अभी चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई है और क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव बड़ा ही साफ ढंग से लड़ा जा रहा है और सभी लोग वोट मांग रहे हैं। इस क्रम में हम भी आज भी गांव में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आपने अपील की? मैं अपने क्षेत्र में भी अपील कर रहा हूं और जहां भी कोई बार का मिलता है तो उससे उस क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी के लिए अपील करता हूं। किस तरह से अब लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या देख रहा है आपको मैनपुरी जनपद में? देखिए, आम जनमानस भाजपा से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रहा है और समाजवादी पार्टी को अपनी आस्था जता रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस बार भाजपा का झंडा लहराया जाएगा। ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ये 400 की बात करते 370 को लड़ रहे हैं तो 400 पार कहाँ कर रहे हैं? ये बहुत झूठे लोग हैं, ये पब्लिक समझ चुकी है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।